हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज क्लास है हमारी BFA थर्ड ईयर, सब्जेक्ट इंडियन एस्थेटिक्स, कोड 302। तो इंडियन एस्थेटिक्स में हम बात कर रहे थे भोज आर्टिस्ट, विविध राइटर्स में जो हमारा भोज आर्टिस्ट चल रहा था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमारे जो ऑल टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं, एक लास्ट रह गया है ओनली, डेथ, मृत्यु, उनकी मृत्यु का बताया है इसमें, बाकी हमारे सारे पिछले PPT में जो सब टॉपिक्स थे वो सब कवर हो चुके हैं। भोज के शासनकाल के अंतिम वर्ष में या उसकी मृत्यु के तुरंत बाद चालुक्य राजा भीम और कलचुरी राजा कर्ण ने उसके राज्य पर हमला किया। यानी भोज का जो शासनकाल था उसके मतलब जो उनका शासनकाल था उसके जो अंतिम वर्ष थे या उसकी मृत्यु के तुरंत बाद जो चालुक्य राजा भीम थे और कलचुरी जो थे राजा कर्ण ने उसके राज्य पर हमला किया था। मतलब राजा भीम और कलचुरी राजा कर्ण इन दोनों ने उसके राज्य पर हमला किया, और कब किया वो इन्होंने बताया है कि भोज के शासनकाल के अंतिम वर्ष या उसकी मृत्यु के तुरंत बाद। 14वीं शताब्दी के लेखक मेरुतुंगा के अनुसार, यानी ये 14वीं शताब्दी की बात है, उनके लेखक जो थे मेरुतुंगा उनके अकॉर्डिंग बताया है यहाँ पे, भोज ने कभी भीम को वश में करने के बारे में सोचा था। यानी कि भोज जो थे उन्होंने कभी, यहाँ पे कभी बताया, यानी पहले उनकी मृत्यु से पहले कभी उन्होंने जो भीम था उसको वश में करने के बारे में उन्होंने सोचा होगा, लेकिन भीम के राजनीति ने भोज को कलानी के चालुक्यों के खिलाफ भड़काने के द्वारा एक परमारा आक्रमण से बचा लिया। लेकिन जो भीम के जो राजनयिका थे उन्होंने भोज को कालानी के चालुक्य के खिलाफ भड़काने के द्वारा एक परमारा आक्रमण से उन्होंने उनको बचा लिया था। 1031 ईस्वी से कुछ समय पहले भीम ने अबू में परमारा शाखा के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। यानी 1031 ईस्वी से कुछ समय पहले की बात है, भीम ने अबू में परमारा, जो भीम थे उन्होंने अबू में परमारा शाखा जो थी उसके खिलाफ एक अभियान शुरू किया था, जिसने अपने शासक धंदुका को भोज के साथ शरण लेने के लिए मजबूर किया। यानी जिसने अपने शासक धंदुका उसको भोज के साथ शरण लेने के लिए मजबूर किया था। चालुक्यों द्वारा संरक्षण प्राप्त हेमचंद ने कहा कि भोज के सेनापति कुलचंद्र ने एक बार चालुक्य राजधानी को बर्खास्त कर दिया था। यानी जो चालुक्य था उसके द्वारा जो संरक्षण प्राप्त, यानी जो ये हेमचंद जी थे इन्होंने चालुक्य द्वारा संरक्षण प्राप्त किया था, तो इन्होंने कहा कि जो भोज के सेनापति हैं कुलचंद जी, इन्होंने एक बार चालुक्य राजधानी को बर्खास्त कर दिया था। यानी एक बार उन्होंने जो चालुक्य राजधानी थी उसको बर्खास्त कर दिया था, बल्कि भीम सिंध सीमा पर युद्ध लड़ रहे थे। बाद में भीम ने अपने सैनिकों को कई बार मालवा पर छापा मारने के लिए भेजा। तो जो भीम थे वो सिंध सीमा पर युद्ध लड़ रहे थे, बाद में उन्होंने भीम ने जो उनके सैनिक थे उनको कई बार मालवा पर छापा मारने के लिए उन्होंने भेजा था। मेरुतुंगा के प्रबंध चिंतामणि में कहा गया है कि एक बार ऐसे दो सैनिकों ने अपनी राजधानी धरा के आसपास के इलाके में भोज पर हमला किया। यानी जो मेरुतुंगा थे उनके प्रबंध चिंतामणि में कहा गया है कि एक बार ऐसे दो सैनिकों ने अपनी राजधानी धरा के आसपास के इलाके में भोज पर हमला किया था।
एक बार की बात बताइए कि दो सैनिक थे, उन्होंने अपनी राजधानी धरा के आसपास के इलाके में भोज पर हमला किया, लेकिन परमार राजा अस्वस्थ हो गए, जो परमार राजा थे वो अस्वस्थ हो गए थे। मेरुतुंगा भी कहता है कि कर्ण ने एक बार युद्ध या महल निर्माण प्रतियोगिता में भोज को चुनौती दी थी। जो कर्ण थे उन्होंने युद्ध या महल निर्माण प्रतियोगिता में भोज को चुनौती दी थी। भोज, जो इस समय तक एक बूढ़े व्यक्ति थे, ने दूसरा विकल्प चुना। यहाँ पे बताया कि मेरुतंगा के जो प्रबंध चिंतामणि है उसमें कहा गया है कि जो एक बार में ऐसे दो सैनिक थे जिन्होंने अपनी राजधानी धरा के आसपास के इलाके में, जो उनकी राजधानी थी धरा उसके आसपास के इलाके में भोज पर हमला किया था, लेकिन परमार राजा अस्वस्थ हो गए, जो परमार राजा थे वो अस्वस्थ हो गए थे। मेरुतंगा ने भी कहा था कि जो कर्ण थे उन्होंने एक बार युद्ध या महल निर्माण प्रतियोगिता में भोज को चुनौती दी थी, यानी जब युद्ध या महल निर्माण प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें जो भोज को उन्होंने कर्ण ने जो चुनौती दी थी। भोज, जो इस समय तक एक बूढ़े व्यक्ति थे, वो उस समय तक एक बूढ़े व्यक्ति हो चुके थे, तो उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। भोज इस प्रतियोगिता को हार गए, लेकिन कर्ण की आत्महत्या को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यानी जो बॉस थे वो प्रतियोगिता से हार चुके थे, और लेकिन कर्ण की आत्महत्या को उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप तो जो बॉस थे वो इस प्रतियोगिता से हार गए थे इसको, लेकिन कर्ण की आत्महत्या को स्वीकार करने से उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कर्ण ने भीम के साथ गठबंधन कर मालवा पर आक्रमण किया, यानी इसका परिणाम ये हुआ कि जो कर्ण थे उन्होंने भीम के साथ गठबंधन किया और मालवा पर आक्रमण किया, यानी ये दोनों एक हो गए थे, इन दोनों ने मिलके एक साथ होकर मालवा पर आक्रमण कर दिया। मेरुतंगा के अकॉर्डिंग भोज की एक बीमारी से मृत्यु हो गई, ये मेरुतंगा ने बताया कि उनके अकॉर्डिंग क्या था, उनके अकॉर्डिंग भोज की जो बीमारी थी उनसे मृत्यु हो गई थी। उसी समय मित्र सेना ने उनके राज्य पर हमला किया, उस समय की बात है ये, उसी समय तो मित्र सेना ने उनके राज्य पर हमला कर दिया, जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो मित्र सेना ने उन पर हमला कर दिया। चालुक्य संरक्षण के तहत लिखी गई कई साहित्यिक कृतियों से पता चलता है कि भीम ने भोज को परास्त किया, यानी जब उसी समय जब भोज की बीमारी से मृत्यु हो गई तो मित्र सेना ने उनके राज्य पर हमला किया, और जो चालुक्य संरक्षण है उनके तहत लिखी गई कई साहित्यिक कृतियों जो है उनसे पता चलता है कि भीम ने भोज को परास्त किया, जो भीम थे उन्होंने भोज को परास्त कर दिया था जबकि भोज अभी भी जीवित था, यानी भीम ने जो भोज को परास्त किया था तो उन्हें बताया कि जबकि भोज अभी भी जीवित था, यानी वो तब तक जीवित थे। हालांकि इस तरह के दावे ऐतिहासिक साक्ष्य से पुष्टि नहीं है, इन्होंने बताया कि ये मेरुतंगा के अकॉर्डिंग में कन्फर्म नहीं है। मेरुतंगा के अकॉर्डिंग जो भोज थे उनकी एक बीमारी से मृत्यु हुई थी मेरुतंगा के अकॉर्डिंग, और उसी समय जो मित्र सेना थी उन्होंने उनके राज्य पर हमला भी किया था, पर जो चालुक्य संरक्षण था उसके तहत लिखी गई कई साहित्यिक कृतियों से पता चला कि जो उनके तहत जो लिखी गई थी कई साहित्यिक कृतियाँ उनसे पता चलता है कि जो भीम थे उन्होंने भोज को परास्त किया जबकि भोज अभी भी जीवित था, है ना। तो इसलिए इस तरह के दावे ऐतिहासिक साक्ष्य से पुष्ट नहीं है, यानी ये कन्फर्म नहीं है कि क्या बात सच थी क्या नहीं। इन्होंने इसलिए बताया कि हालांकि इस तरह के दावे ऐतिहासिक साक्ष्य से पुष्ट नहीं है, यानी जो ऐतिहासिक साक्ष्य थे जो सबूत थे उससे उनकी पुष्टि नहीं है, ठीक है। तो आपका जो हमारे टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे वो इतना ही था, ये लास्ट टॉपिक था इनका मृत्यु, ठीक है। काफ़ी बड़ा रहा है ये, और इसको आप अच्छे से समझ लेना, बाकी तो हम जूम में डिस्कस करते ही रहेंगे, अभी तो बहुत लंबा टाइम है इस तक आने में, अभी तो स्टार्टिंग के टॉपिक ही आपके चल रहे हैं। अच्छे से सब वीडियो देखें, अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहें, जो दिक्कत है वो जूम पर डिस्कस होती रहेगी, ठीक है। तो आपका आज ये कम्प्लीट।
आज का आर्टिस्ट आपका कंप्लीट हो गया है।